और हम इसको होलिस्टिक अप्रोच से कैसे इसको मैनेज कर सकते हैं। जनरल ज्वाइंट पेन जो होता है तो उसके पहले की ज्वाइंट पेन का जो कॉज है क्यों होता है, तो हैव यू एनी आइडिया, आर यू ट्रीटिंग द पेशेंट, आप इसे लोग प्रैक्टिस करते हैं कुछ लोग। Are you practicing acupuncture, cupping, moxibustion and any allied method? आप इसे उधर से आंसर हमको नहीं मिल रहा है, यस और नॉट। नहीं, डोंट मैसेज, अभी जब लाइव है ना तो उसमें मैसेज नहीं है, आप इंटरेक्टिव वगैरह बनाना है तो इसके लिए आप डिस्कशन कीजिए, ठीक है। लाइव वेबिनार ऑन द ज्वाइंट पेन, द कॉज ऑफ द ज्वाइंट, व्हाट इज द ज्वाइंट इन ह्यूमन बॉडी, तो हमारे बॉडी के अंदर ये जो ज्वाइंट्स होते हैं ये ज्वाइंट्स क्या होते हैं, एक स्मॉल ज्वाइंट होता है, एक हमारे बिग ज्वाइंट्स होते हैं, बट इट इज अ वेरी देयर डिफरेंट टाइप ऑफ ज्वाइंट्स, हमारे बॉडी के अंदर डिफरेंट टाइप ऑफ ज्वाइंट्स होते हैं, उसका जो मूवमेंट होता है वो एक उसके एक लिमिटेशन होती है। फॉर एग्जाम्पल अभी ये रिस्ट का ज्वाइंट देख रहे हैं, इसको हम क्या है फ्रंट और बैक कर सकते हैं, इसको मूव कर सकते हैं, लेकिन अगर एल्बो ज्वाइंट को देखेंगे तो हम यहाँ पे क्या है एक्सटेंशन और फ्लेक्शन, ये दो चीजें कर सकते हैं। अब इसको मूवमेंट हम नहीं कर सकते हैं, जिस तरह से हम यहाँ पे शोल्डर ज्वाइंट को मूव कर सकते हैं, राइट। तो यहाँ पे क्या है कि डिफरेंट ज्वाइंट्स होते हैं, दो बोन के बीच में जो स्पेस होता है उसके अंदर फ्लूइड्स होता है, कार्टिलेज होता है, लेकिन हर ज्वाइंट की एक लिमिटेशन है कि उससे ज्यादा आप उसको मूव नहीं कर सकते, राइट। फॉर एग्जाम्पल अगर सर्वाइकल की बात करें तो आप इसको फ्रंट में आप इसको कितना एक लिमिटेशन, इससे ज्यादा आप इसको मूव नहीं कर सकते, डाउनवर्ड नहीं कर सकते, बैकवर्ड इससे ज्यादा नहीं कर सकते, लेटरल अगर पोजीशन में लेके जाना तो इससे ज्यादा आप मूव नहीं कर सकते, अदरवाइज क्या होगा यहां पर इंजरी हो जाएगी, सॉफ्ट टिश्यू इंजरी हो जाएगी। तो हर ज्वाइंट को, ज्वाइंट पेन को सीखने से पहले हमको उस ज्वाइंट की लिमिटेशन को भी जानना बहुत जरूरी है। There are different type of joints in our body. You can say there are different type of joints in our human body. तो ये इसका जो होल है वो क्या है कि यहाँ पे दो बोन्स होते हैं, ठीक है, अलाउिंग द मूवमेंट, ये इसमें जो फ्लेक्सीबिलिटीज होती है इससे ज्यादा फ्लेक्सिबल नहीं हो सकता है, ठीक है। इसका जो रोल है क्या है, इसमें वैलिड एक्टिविटीज होती है कि जिस तरह से हम मूवमेंट करते हैं, हम उठते हैं बैठते हैं, अभी आपके पास पेशेंट आया उसने बोला कि मैं जब चेयर से उठता हूं आई फील पेन, आई एम अनेबल टू वॉक, या नी पेन है, एंकल पेन है, शोल्डर पेन है, डिफरेंट टाइप के वो पेन को बताता है कि यहाँ पे ये रिस्ट्रिक्टेड है, हम आपके पास इसका ट्रीटमेंट के लिए आए, राइट। तो ये जो डिफरेंट टाइप के जो ह्यूमन बॉडी के अंदर जो पॉइंट्स होते हैं ये क्या है, ये फ्लेक्सिबिलिटीज हमारे बॉडी के अंदर होती है, ठीक है, इसमें रोटेशन होता है, इसके अंदर मूवमेंट होता है। सबसे पहले हम यहाँ पे ज्वाइंट्स को देखते हैं कि देयर इज अ डिफरेंट टाइप ऑफ द ज्वाइंट, इस कॉल्ड द पावर ज्वाइंट्स, हिंगी ज्वाइंट्स, देयर इज अ डिफरेंट टाइप ऑफ ज्वाइंट, पेन ज्वाइंट, ज्वाइंट को होता है शैटल ज्वाइंट, पेंडोलाइट ज्वाइंट एंड बॉल एंड सॉकेट ज्वाइंट, ये डिफरेंट टाइप के ज्वाइंट्स हमारी बॉडी के अंदर होता है
जिसकी एक लिमिटेशन होती है मूवमेंट की। अगर ये मूवमेंट फ्लेक्सिबल होता है तो पेन नहीं होता। ये मूवमेंट फ्लेक्सिबल है जहां तक ये मूव होता है। और तो एक क्या होता है कि एक होता है कि मूवमेंट तो हो रहा है लेकिन फिर भी पेन हो रहा, और दूसरा क्या होता है कि मूवमेंट रिस्ट्रिक्टेड हो जाता है। पेशेंट आपके पास आता है कि हमको शोल्डर में पेन है लेकिन वो हाथ को पूरा उठा लेता है, लेकिन जब ये बोलता है कि जब मैं इस तरह हाथ उठाता हूं देन आई फील पेन हियर, राइट, वो पेशेंट कंप्लेन क्या करता है, आई फील पेन हियर। तो ऐसी कंडीशन में हम डिफरेंट टाइप के ज्वाइंट्स को देखेंगे कि ये डिफरेंट टाइप के जो ज्वाइंट्स होते हैं ये क्या बताता है। अब दिस इज अ पॉवर ज्वाइंट। पॉवर ज्वाइंट अलाउड टू द रोटेशन एंड ऑल्दो यू हैव द मेजर ज्वाइंट इन योर बॉडी दे आर ओनली थ्री पॉइंट ज्वाइंट। दे आर लोकेटेड इन द नेक एंड योर रिस्ट एंड योर एल्बो। ये पॉवर ज्वाइंट हमको ये कहां पे मिलता है, तीन जगह मिलता है, कहां पे, नेक, नहीं पढ़िए, उठा के कर दो। रिस्ट एंड योर एल्बो। दिस कॉल्ड द पॉवर ज्वाइंट। इससे जो मूवमेंट होता है वो क्या होता है, एक लिमिटेशन होता है, इससे ज्यादा आप मूव नहीं कर सकते, इससे ज्यादा आप इसमें मूवमेंट नहीं कर सकते। फॉर एग्जाम्पल नेक ज्वाइंट, नेक ज्वाइंट का क्या है, आप इतना यहाँ पर मूव कर सकते हैं, बैकवर्ड लेके जा सकते हैं, इससे ज्यादा आप लिमिटेशन नहीं है। आप यहाँ पे फ्रंट लेके जा सकते हैं, लैटरल लेके जा सकते हैं, इसको आप क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज इसको मूव कर सकते हैं, राइट। लेकिन इससे ज्यादा आप ये चाहेंगे कि जिस तरह से हमारे हम फ्लेक्सिबल हो जाते हैं स्पाइन के लिए, स्पाइन हमारा मोर फ्लेक्सिबल होता है, तो ऐसी कंडीशन में अगर हम वहां पे देखेंगे कि ये नेक ज्वाइंट क्या उससे ज्यादा मूव कर सकता है, नहीं। लेकिन मूवमेंट के साथ पेन और विदाउट मूवमेंट, तो यहां पर क्या है कि नेक में पेन है, नेक में पेन है लेकिन क्या है, विथ मूवमेंट है या विद। अगर पेन आ रहा है नेक में, पेन आ रहा है तो विद मूवमेंट आ रहा है, रिस्ट में पेन आ रहा है, रिस्ट को हम मूव कर रहे हैं, ठीक है, पेन आ रहा है। अब हम यहां पे रिस्ट को कितने एंगल में कर सकते हैं, अब यहां पे ये देखिए, यू कैन सी हियर, यू कैन रोटेट लाइक दिस, बट जैसे शोल्डर को हम बहुत ज्यादा रोटेट कर लेते हैं क्या हम उस तरह से रिस्ट ज्वाइंट को उतना मूवमेंट दे सकते हैं, नो। एल्बो ज्वाइंट को उतना मूवमेंट दे सकते हैं, नो। नेक पे उतना मूवमेंट दे सकते हैं, नो। तो यहाँ पे क्या है, ये जो पॉवर ज्वाइंट होते हैं ये नेक रिस्ट और एल्बो में होता है, और इसकी एक लिमिटेशन है, इसके बाद आप जब जाते हैं तो आपको बॉडी के अंदर पेन फील होता है। तो दो चीजें हैं, एक पेन है विथ मूवमेंट और एक पेन है जो आपके मूवमेंट को भी रिस्ट्रिक्टेड कर देता है, यानी दो चीजें हैं, एक आपके मसल्स हैं दूसरे आपके बॉडी। अगर मसल स्टिफ हो गई, फॉर एग्जाम्पल आपका पेशेंट आया मुझे बोला कि आई हैव अ पेन ऑन द सर्वाइकल, राइट, लेकिन जब आपने चेक किया तो यहां पे क्या है कि पेशेंट के जो नेक मसल्स है वो ट्रेपेजियस मसल वो क्या स्टिफ हो गई, तो वो मसल को रिलीज करके हम पेशेंट को फ्री कर सकते हैं। लेकिन दूसरा पेशेंट आया उसने भी बोला कि आई हैव अ सर्वाइकल, मुझे सर्वाइकल में पेन हो रहा है, लेकिन उसकी मूवमेंट आपने चेक किया कि मसल से रिलेटेड नहीं है, दिस पेन इज रिलेटेड टू द रिलेटेड टू द बोन। अगर बोन से रिलेटेड अगर है, बोन से अगर रिलेटेड पेन है तो उसका ट्रीटमेंट आप कैसे करेंगे। अगर मसल से रिलेटेड अगर पेन है, मसल स्टिफ हो गई तो उस ज्वाइंट पे हम कैसे ट्रीट करेंगे, तो लेटर ऑन हम लोग इस पर डिस्कशन करेंगे, ठीक है। तो पॉवर ज्वाइंट को देखा, ये कहां कहां पे होती है, नेक रिस्ट एंड योर एल्बो। दूसरा जो होते हैं ये ज्वाइंट्स होते हैं, इन ज्वाइंट्स क्या पे होता है,
यहां पे इसको बोलते हैं सैंग्विन ज्वाइंट्स दैट इज सीन इन द बॉडी इन द सर्व टू द अलाउ मोशन। ये क्या है? ये अलाउ करता है क्या इस चीज को, मोशन को, सर्व टू द अलाउ द मोशन प्राइमरी इन द वन प्लेन। यहां पर ये जो आप ये देख रहे हैं ये क्या है, अलाउ करता है एक मोमेंट है। जैसे फॉर एग्जाम्पल नी का ज्वाइंट, नी ज्वाइंट यहां पर क्या है, नी ज्वाइंट का एक मोमेंट है। यू कैन सी हियर योर द हिप ज्वाइंट एंड दिस इज योर नी ज्वाइंट। तो ये भी क्या है कि नी का भी एक मूवमेंट है। आप इससे ज्यादा बहुत ज्यादा नी को फोल्ड नहीं कर सकते, यानी एक्सटेंशन एंड फ्लेक्शन इसकी भी क्या एक लिमिटेशन है। लेकिन पेशेंट जब आपके पास आएगा कंप्लेन के लिए कि आई हैव ए नी पेन, आई हैव ए नी पेन और आई हैव अ हिप ज्वाइंट्स पेन, तो ये जो पेन होता है मोस्टली वो कहां पे, ये आपको नी पे और पैल्विक यानी आपके हिप जॉइंट्स के अंदर होता है। यहां पे जो होती है कैविटी, कैविटी का मतलब होता है कि जो दो बोन होती है, दिस इज टू बोन, इसके बीच में एक स्पेस होता है जिसमें कार्टिलेज होता है और सैंग्विनरी फ्लूइड्स होते हैं। तो ये क्या है, ये अलाउ करते हैं हमारे मूवमेंट को। ये क्या होता है, जब यहाँ पे फ्लूइड्स कम हो जाते हैं तो आपने देखा कि आवाज आती है जब हम उठते हैं बैठते हैं या कोई मूवमेंट करते हैं तो एक क्रैकिंग साउंड सुनाई देता है। वो क्या है, वो आपको इंडिकेट कर रहा है, वो प्राइमरी आता है इंडिकेट करता है कि आपके बॉडी के अंदर जो सैंग्विनरी फ्लूइड्स है वो रिड्यूस हो रहा है और आपको यहाँ पे क्रैकिंग साउंड आ रहा है। आगे चलकर वो जो फ्लूइड्स बहुत कम हो जाता है इस पे तो वो क्या है, वो ज्वाइंट स्टिफ होना स्टार्ट हो जाता है। राइट, क्लियर समझ आ रहा है? हेलो, यस सर, ओके फाइन। यस सर, एंड अनदर थर्ड वन, द बॉल सॉकेट ज्वाइंट एंड कैंडेलाइट ज्वाइंट्स। ये जो ज्वाइंट होता है ये क्या है, साउंड सिमिलर टू द बॉल एंड सॉकेट ज्वाइंट। कॉर्डलेट ज्वाइंट ओनली अलाउ द फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड, क्या फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड एंड साइड टू साइड मूवमेंट। ये साइड टू साइड मूवमेंट करता है लेकिन ये अलाउ नहीं करता क्या, रोटेशन इसके अंदर नहीं होता है। फॉर एग्जांपल सी, फॉरवर्ड बैकवर्ड साइड टू साइड मोशन बट इज नॉट अलाउड रोटेशन, आप इसको रोटेट नहीं कर सकते। कौन सा, जैसे इसका यहां पर रोटेशन देखिए, ये क्या है, रोटेशन अलाउ कर रहा है राइट, हम इसको लेफ्ट साइड भी लेके जा रहे हैं, बैकवर्ड भी लेके जा रहे हैं और फ्रंट में भी लेके जा रहे हैं। लेकिन बहुत सारे ऐसे ज्वाइंट है जो उसकी एक डिस्ट्रिक्ट मूवमेंट है। फॉर एग्जाम्पल नी ज्वाइंट, आप इसको एक्सटेंशन फ्लेक्शन में करते हैं, एंकल ज्वाइंट एक्सटेंशन और फ्लेक्शन में कर सके, रोटेशन की एक लिमिटेशन है, उससे ज्यादा आप इसको रोटेट नहीं कर सकते। फाइब्रस ज्वाइंट क्या होता है, फाइब्रस ज्वाइंट जो होता है जिन ज्वाइंट के बीच में क्या मिनिमल मूवमेंट होता है, एग्जाम्पल इंक्लूडिंग द स्ट्रक्चर ऑफ द स्कल, स्कल के स्ट्रक्चर के अंदर बीच में ये जो होता है दिस इज अ फाइब्रस ज्वाइंट, दिस इज अ फाइब्रस ज्वाइंट। कार्टिलेजियस ज्वाइंट, कार्टिलेजियस ज्वाइंट दे आर द कनेक्ट टू द कार्टिलेज। यहां पर क्या है, कार्टिलेज ये अलाउ करता है क्या लिमिटेड मूवमेंट को। द कार्टिलेज जो एक्ट एज ए कुशन, कार्टिलेज क्या होता है, एज ए कुशन। जैसे आपने देखा कि बाइक के अंदर या कार के अंदर एक शॉकर लगा होता है जो हमारे बॉडी जो उसको जक यानी कि जो जंप करता है उससे वो प्रिवेंट करता है। उसी तरह जब हम क्या है फ्रॉम द चाइल्ड हम जब जम्प करते हैं तो ये क्या अलाउ स्पंज करता है, अगर ये नहीं होगा तो आपस में क्या है बोन
टच हो जाएगी और पेन आएगा। तो ये जो कुशन है ये बिटवीन द बोन्स, ये कहाँ पे, ये बोन के बीच में होता है, इंक्लूडेड द जॉइंट बिटवीन द वर्टिब्रा इन द स्पाइन, ये हमारी वर्टिब्रा के बीच में होता है। यहाँ पे जो आप स्पाइन देख रहे हैं ये वर्टिब्रा के बीच में, स्पाइन के बीच में होता है, जिसकी वजह से हम यहाँ पर मूवमेंट करते हैं। अब यहाँ पे आप वर्टिब्रा के बीच में देखिए, ये जो मूवमेंट होता है नेक का जो होता है, ये जो मूवमेंट है लंबर पे, जो मूवमेंट है ये जो लंबर से मूव करता है, यहाँ पे भी ये क्या होता है, एक कार्टिलेज होता है। तो ये क्या है, ये हमारे ज्वाइंट्स को मूव कराता है, ज्वाइंट्स, जैसे कि हमने कहा कि द ज्वाइंट्स आर द मोस्ट कॉमन इन द बॉडी, दे आर द कनेक्टेड इन द सैनुअल कैविटी, इनके बीच में एक कैविटी होती है, स्पेस होता है। ये जो सॉकेट आप देख रहे हैं ये क्या है, ये स्पेस है, यहाँ पे ये मूवमेंट ये देख रहे हैं, ये जो मूवमेंट होता है, अगर यहाँ पे ये कैविटी यानी स्पेस अगर रिड्यूस हो जाएगा तो हम यहाँ पे मूवमेंट नहीं कर सकते। क्लियर? इसके बीच में क्या होता है, सैनुअल फ्लूइड्स होता है, लुब्रिकेट, ये लुब्रिकेशन का काम करता है, ये काम क्या करता है, लुब्रिकेशन का काम करता है मूवमेंट को, ये अलाउ करता है आपके जॉइंट्स को। तो सैनुअल जॉइंट अलाउ द वाइड रेंज ऑफ द मूवमेंट इंक्लूडिंग द नी, एल्बो, शोल्डर। मूवमेंट जो फाइब्रस ज्वाइंट होता है, मूवमेंट क्या सैनुअल ज्वाइंट होता है, तो ये डिफरेंट टाइप के ज्वाइंट्स होते हैं। लेकिन यहां पर अभी हमने ज्वाइंट्स के बारे में पढ़ लिया, जान लिया, पेन क्यों होता है, कैन यू टेल मी एनीवन, पेन क्यों होता है? यस प्लीज बताइए, पेन क्यों होता है, एनीवन? जब मसल्स ठीक होते मसल्स, बताइए प्लीज प्लीज। मसल्स ठीक होते मसल स्टिफ होती है तो पेन आता है, और बोन में क्रैक आया तो बिल्कुल बोलिए बोलिए प्लीज। आप देखिए, हर आदमी को नॉलेज, जाए हर आदमी को नॉलेज उनका होता क्रैक है। नहीं यस, अभी यहाँ पे क्या है कि ज्वाइंट्स पेन क्या करता है, जब आपको ये डिस्टर्ब अफेक्ट तो वन और मोर ज्वाइंट इन योर बॉडी, ज्वाइंट पेन, देखिए दो चीजें मैं आपको बता दें। ये जो ज्वाइंट पेन होता है, फॉर एग्जांपल चिकनगुनिया, डेंगू, मलेरिया, यानी एक्सटर्नल पैथोजेनिक फैक्टर होता है, फीवर आता है और बाद में वो पेशेंट कंप्लेन करता है मुझे ज्वाइंट्स में पेन हो रहा है, राइट? उसको बाद में ज्वाइंट्स पेन हो रहा है, एक्चुअल में वो ज्वाइंट से रिलेटेड नहीं है, वो एक्सटर्नल पैथोजेनिक फैक्टर्स है जो आपके बॉडी के अंदर इंटर किया और आपके बॉडी में ज्वाइंट्स पेन होने लगा, बोन में पेन होने लगा। लेकिन यहां पे क्या है कि आप कैसे इसको डायग्नोज करोगे, हाउ टू ट्रीट। एक पेशेंट आता है वो बोलता है आई हैव ज्वाइंट पेन, वो पार्टिकुलर एक एरिया को बोलता है, वो पार्टिकुलर एक एरिया को बोलता है कि मुझे यहां पर पेन हो रहा है, राइट? वो पार्टिकुलर एरिया बताता है कि मुझे ज्वाइंट पेन यहाँ पे हो रहा है। लेकिन दूसरा पेशेंट आता है कि मुझे ज्वाइंट पेन होता है लेकिन वो क्या होता है, शिफ्टिंग पेन होता है, वो पेन क्या होता है, शिफ्ट होता है। तो शिफ्ट में कौन सी एनर्जी होती है जो अगर मूव, और जो मूव करता है, जो जिसके अंदर मूवमेंट आता है, वो कौन सा पेन है, और जो शिफ्टिंग पेन है वो कौन सा पेन है? तो एक्यूपंक्चर में हम, ग्रेट यस बोलिए, विंड विंड, हवा से मुंह रहता है, ओके, विंड विंड एनर्जी। एनर्जी। अगर इसका ट्रीटमेंट देना होगा तो आप एक्यूपंक्चर के थ्रू कैसे देंगे, चलिए याग मेरिडियन
यंग मेरिडियन, बिकॉज यंग मेरिडियन पे देंगे आप ऑलरेडी, अगर विंड अगर देखा तो उसका कैरेक्टर यंग है, अगर विंड का कैरेक्टर देखा जाए तो वो यंग है, राइट? तो यहां पर आपको ये देखना पड़ेगा कॉज ऑफ द पेन, क्यों ज्वाइंट पेन होता है, गुड इवनिंग एवरीवन, हेलो, एम आई ऑडिबल? यस सर, एम आई ऑडिबल? यस सर। ओके फाइन, सो टुडे वी आर डीलिंग विद द जॉइंट पेन, और वी कैन से पेन, सो बेसिकली पेन इज एन सिम्टम, इट्स नॉट एन डिजीज, राइट? इट्स एन इंडिकेशन दैट देयर इज समथिंग रॉन्ग इन योर बॉडी, फाइन? एंड देयर आर वेरियस रीजंस एंड वेरियस कॉजेस फॉर द सिम्टम, काफी कॉजेज हैं, यू हैव टू रूल आउट दैट कॉजेज। सो इफ यू थिंक दैट इट इज अ लोकलाइज्ड कॉज और इट्स एन जनरलाइज्ड कॉज और इट्स एन सिस्टमिक कॉज और इट्स एन पैथोलॉजिकल और इट्स अ फिजियोलॉजिकल, सो अ लॉट ऑफ क्लासिफिकेशन कम्स अंडर द पेन। सो फर्स्ट यू नीड टू अंडरस्टैंड द पेन इज द लोकलाइज और द जनरलाइज, ओके? इट्स ड्यूरेशन, इट्स इनिशिएशन, कैसे एग्रीवेट होता है, कैसे रिलीव होता है, ठीक है? जॉइंट पेन काफी तरह का होता है, नॉट लाइक के जॉइंट पेन इज लाइक, फर्स्ट यू नीड टू अंडरस्टैंड व्हाट इज द टाइप ऑफ पेन। आप जब टाइप ऑफ पेन समझ जाते हो ना, तो कॉज थोड़ा आप यू कैन यू नो जज कर सकते हैं कि हाँ यार मोस्टली इट्स एन इंजरी और इट्स एन न्यूरोपैथी, नर्व से रिलेटेड है, मसल से रिलेटेड है। तो फर्स्ट यू नीड टू अंडरस्टैंड व्हाट इज द नेचर ऑफ पेन। पेन का जब आप नेचर समझ लेते हो तो यू कैन अंडरस्टैंड इट्स एन एसोसिएटेड विद द नर्व, इट इज एसोसिएटेड विद द मसल्स, इट इज एसोसिएटेड विद द बोन, ओके? सो दिस आर द दिस आर द वेज। सो अंडरस्टैंडिंग अ पेन पेशेंट इज क्वाइट वेरी इजी, ट्रीटिंग दैट पेशेंट और मैनेजिंग पेशेंट इज ऑल्सो इजी, बट ट्रीटिंग दैट पेशेंट इज क्वाइट डिफिकल्ट। फॉर दैट यू हैव टू गो थ्रू अ थरो केस हिस्ट्री एंड यू नीड टू अंडरस्टैंड, okay? Sometimes what happens, some pain are, you know, acute pain, which is due to some injury, which is due to some recent causes, right? That kind of pain you can cure, you can treat easily, but the chronic ones are very difficult to go through. For that, you need a detailed history. So whenever patient comes to you, you need to understand for the nature of pain, okay? So right now you are seeing that what is the joint pain. So joint pain is a discomfort that affects one or more joints in your body. A joint is where the end of two or more of your bones come together. For example, your hip joint. Oh, so basically, it's a joint, right? So it's not never you see whenever there is a pain in a joint. Whenever there is a pain in a joint, it's all because of you know there is some irregularity in the structure of joint.
जब भी जॉइंट में कोई इरेगुलरिटी आती है, कुछ डिस्कम्फर्ट आता है, तभी जॉइंट पेन होता है। मोस्टली यू वोंट सी द जॉइंट पेन कॉमन, ठीक है। अगर समटाइम्स पेशेंट कम्स टू यू एंड सेज दैट आई एम लोअर बैक पेन, जरूरी नहीं, इट इज एसोसिएटेड विद द जॉइंट, एसोसिएटेड विद द मसल्स ऑल्सो, इट कैन एसोसिएट विद द मसल्स ऑल्सो, राइट। सो एज आई सेड, यू नीड टू अंडरस्टैंड फर्स्ट द नेचर ऑफ पेन। तो लेट्स सी सम कैटेगरीज ऑफ पेन। व्हेन वी सी द नेचर ऑफ पेन, राइट, तो इट कैन बी शार्प एंड शूटिंग टाइप ऑफ पेन। सेकंड, डल एंड एकी टाइप ऑफ पेन। देन इज द हेवीनेस। Probing pain and so on, right? So first we will discuss this basic pain which you can see in day-to-day life, sharp and shooting type of pain. So sharp and shooting type of pain, what kind of pain is this? कैसा pain होता है ये? Sharp and shooting type of pain, क्या feel होता है? It's like someone, ऐसा लगा जैसे किसी ने गन शॉट मारा हो, और वेरी शार्प प्रिकिंग टाइप ऑफ पेन, जैसे कोई कुछ चुभा रहा हो, ऐसा पेन कब फील होता है? नहीं एम आई टू फास्ट, एम आई स्पीकिंग टू फास्ट, और आई एम गोइंग टू फास्ट, am I audible, any language issues, is it fine everyone? बस आ जाइए, बस जा रही है, नहीं जा रही जा है, रही ये है, सब प्रॉब्लम जा रही क्या, बस नहीं आ रही है अपने वैसे कोई इश्यूज, बोली। तो नो वन इज आंसरिंग आई थिंक, एनी इश्यूज, एनी प्रॉब्लम्स, क्या आंसर नहीं करना है कुछ तो बोले, तो देन आई कैन कंफर्म योर वॉइस इज कमिंग और नॉट। आ रही है सर। मुझे लगा मैं अकेली बात कर रहा हूँ। सो गन शॉट और पेकिंग टाइप ऑफ पेन, दिस इज मोस्टली द एक्यूट टाइप ऑफ पेन, जब भी कुछ कोई कुछ लग जाता है, ठीक है, सडनली कोई इंजरी हो जाती है, तो दिस इज अ प्रिकिंग टाइप ऑफ पेन और शूटिंग टाइप ऑफ पेन, बिकॉज इट इज अन डायरेक्ट इंजरी टू द नर्व, और एरिया और ये द मस्कुलर एरिया जो स्किन है, स्किन के नीचे देयर इज अ यू नो अ लॉट ऑफ नर्व्स आर देयर, माइनर माइनर नर्व वेसल्स, सो व्हेन एवर देयर इज अ इंजरी ओवर देयर, इट्स एन डायरेक्ट इंजरी टू द नर्व, सो देयर इज अ शार्प एंड शूटिंग टाइप ऑफ पेन। Usually you see in the acute conditions, this kind of pain, छुरी लग गई, किसी ने मार दिया, ठोकर लग गई, गिर गए, तो उस टाइम पे जो पेन होगा इज अ गन शॉट और प्रिकिंग टाइप ऑफ पेन। इसमें पेशेंट जब भी चिल्लाएगा, इट्स लाइक आ वेरी यू नो शार्प शॉट साउंड, इससे तो चिल्लाता है ना इंसान, आउच, आ ओ वॉट एवर, तो मुंह से भी आवाज निकल जाती है, तो दैट इज अ प्रिकिंग टाइप ऑफ पेन। सो दिस काइंड ऑफ पेन यू मोस्टली सी इन द एक्यूट कंडीशन, ओके। सो व्हेन पेशेंट कम्स टू यू एंड सेज दैट आई एम शार्प एंड शूटिंग टाइप ऑफ पेन, सो इट्स एन एक्यूट कंडीशन एंड मोस्टली एसोसिएटेड विद द नर्व, इट्स अ डायरेक्ट इंडिकेशन, नाउ योर क्वेश्चंस आर रेडी फॉर योर केस हिस्ट्री, कैसे हुआ, कब हुआ, कॉज क्या है, तो इट्स नॉट एसोसिएटेड विद द
सिस्टमिक प्रॉब्लम इज एसोसिएटेड विद द फिजियोलॉजिकल, गिर गया था लग गया था। तो इन सच कंडीशन व्हाट विल बी द कॉमनेस्ट थिंग यू कैन डू? उसकी उस पे ही जा रहे हैं, क्या कर सकते हैं कॉमनेस्ट थिंग? हेलो हेलो हेलो, हेलो मेडिको पीपल यू ऑल्सो नॉट वॉन्ट टू आंसर? So mostly in such conditions, the commonest thing we'll do is the normal painkiller in day-to-day life, and along with that there is the ice pack. Okay, bye lagate, I will try to. We will do ice pack and the normal painkiller. This is what we do, right or wrong? Yes. 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 Okay. So in acupuncture, how are you going to treat? Anything. Acupuncture also will give the painkillers, but the difference is that we'll use ice pack, we'll give painkillers, but in that there will be no chemicals. It will be medicine free. So in acupuncture, the terminology for the acute and substituting pain is there is some blockage in the meridian, and what flows in the meridian is the chi and blood. What is chi? Chi is the vital energy. Okay, so there is some blockage. Why this blockage is? Because of the injury. So what is the treatment for this? It's a very simple treatment. You need to just move this blockage or remove this blockage, move the chi, move the blood, and pain will gone. Simple. No medicine is required, nothing is required. Just you need to understand that the pain is in the meridian. Which meridian? That's it. You need to rule out which meridian is injured. That's it. Once you rule out the meridian, it's very easy to treat. Instant pain will go. Okay. Even a painkiller takes 20 minutes to give the relief. But in acupuncture, the beauty of acupuncture, it takes only 6 to 15 centiseconds to give relief. 6 to 15 seconds max to give the relief. Okay. For that, you need to understand which meridian is get blocked. And you need to move the chi, that is the vital energy. This is the only thing you need to do. For that, your diagnosis should be very clear. Your pathway should be clear. Your meridian system you need to understand very clearly. Okay? And you can treat patient like anything without any medicine. And a patient will feel pain free very instant in seconds, not even minutes, in seconds. Okay, so this is what you need to do. Move the chi, right? So now, this meridian, once you understand, this is the instant relief or emergency treatment for the pain in acupuncture. Other than what you're going to do. Secondly, in emergency condition, what you're going to do after the painkiller, you ask the patient if any bleeding is there at that point. If any bleeding is there, then first aid is compulsory. वहाँ पे हम needle से खून बंद नहीं करेंगे, उसको पट्टी से बांधना ही पड़ेगा. Okay, but वो पट्टी के बाद भी तो pain होगा. Then what? At that time, you have to move the chi and ask the patient to give the movement over there or little massage over there so that the energy continuously moves.
Once energy will move over there will what will happen basically at that wound? There will be a rich blood supply. Blood supply will get increased. Once the blood supply will get increased over that area, healing will start automatically, and your body is made as such it can heal him or herself very well. Just you need to provide a proper timing, proper nutrition, and the proper care. That's it. It's a very easy to treat, you know, acute conditions. It's very easy to take care of the conditions. हाँ, अगर यही एक्यूट कंडीशन में शार्पन शूटिंग पेन एक और कंडीशन में भी होता है, इसे फ्रैक्चर या है, फ्रैक्चर हुआ, पेट टूटा है, देन व्हाट? एट द टाइम आल्सो यू गोइंग टू मूव द ची, इज अ ब्लॉकेज ऑफ ची? नो, इफ यू ट्राई टू मूव द ची एट दैट टाइम द बोन विल मूव एंड इट वोंट जॉइन, सो दैट्स योर नॉट नॉट योर केस. Instantly you have to take the patient to the orthopedic person, वो जाके अपना बैंडेज करेगा, उसका बैंडेज आप नहीं करेंगे. Of course, but in such condition also, once the bandage is done, in that condition also you can take the patient and you can treat the patient in pain. Fracture का pain आप control कर सकते हो, fracture को treat नहीं कर सकते हो. That's your limitations, right? Understood? Clear everyone? Are you getting or not? Yes. Okay. Now, second nature, second type of pain, it is a dull and achy type of pain. When you can see this dull and achy type of pain, this is mostly seen in the chronic pain and the muscular pain. When a patient who is having muscular pain, in such condition you see the dull and achy type of pain. So this dull and achy type of pain can be seen in the subacute condition, in sometimes acute conditions also, and in sometimes is the systemic problem also. So in dull and achy type of pain, you have to rule out the case. If it is in a subacute condition, okay, and it's a muscular, so what are the subacute conditions where you can see such kind of pains? कभी आपने देखा होगा कि झुक के कुछ हैवी वजन उठा लिया एंड यू फील द पेन. एट दैट टाइम यू वोंट फील एनीथिंग, बट लेटर ऑन इट विल फील द पेन. कभी ऐसा हुआ आपके साथ, तो कुछ हैवी वजन उठा लिया या सडनली आप कहीं ऐसे लटक गए, बहुत ज्यादा वजन आ गया हाथ के ऊपर, पैरों पे, यू फील पेन, ऐसा होता है कभी कि नहीं? पेन ही नहीं होता है. यस सर, होता है ना सर? होता है ना? हाँ, तो ये क्यों होता है? मोस्टली इट इज बिकॉज ऑफ द मसल्स. जब मसल्स अपनी नॉर्मल एनाटॉमी में काम कर रहा होता है, उस पे अगर सडन कोई लोड आ जाता है तो मसल उसको हैंडल कर लेता है, उसको पुल कर लेता है, उसको होल्ड कर लेता है. अब जैसे कि आपकी उठाने की कैपेसिटी है 15 किलो, आपने उठा लिया 25 किलो, तो आप उठा लोगे उसको, मसल उसमें हेल्प करेगा, लेकिन मसल ने अपनी नॉर्मल जो रेगुलर उसकी रूटीन थी उससे ज्यादा काम कर लिया, क्या हो जाता है? बिकम्स फटीग, वो स्पाज में आ जाता है, वो थक जाता है. जब मसल थक जाता है तो अपना दूसरे काम को रोक देता है, जो रेगुलर होते हैं, तो रेगुलर मूवमेंट उसको रोक देता है, एंड यू फील द डल एंड एकी टाइप ऑफ पेन. तो इन एक्यूपंचर सच कंडीशंस इन एक्यूपंचर डल एंड एकी टाइप ऑफ पेन, हाउ यू गोइंग टू ट्रीट दैट पेशेंट? फॉर यू टू अंडरस्टैंड के कौन से एरिया का मसल इंजर हुआ है, इंजरी नहीं कहेंगे, स्पाज हुआ है, या कौन से मसल को फटीग हुआ है, कौन सा मसल थका है, फर्स्ट यू हैव टू रूल आउट. ओके, सेकंड थिंग यू डू इज जस्ट गिव द मूवमेंट टू द ची ओवर देयर. हाउ यू गोइंग टू गिव द मूवमेंट? अब मसल तो काफी बड़ा एरिया है,
हम कैसे एक निडल से पूरे उसको करेंगे, तो हम यहाँ पे निडल यूज नहीं करेंगे, हम यहाँ पे जस्ट विल यूज द मूविंग मसाज कपिंग। मूविंग मसाज कपिंग से क्या होगा, उस पर्टिकुलर मसल में जितनी भी ची की मूवमेंट्स की रुकावट है इट विल रिमूव, वहां से आपकी ची मूव होना शुरू हो जाएगी, वहां पे ब्लड फ्लो बढ़ जाएगा एंड पेशेंट की बॉडी अपने आप हीलिंग शुरू हो जाएगी। सिंपल स्टेप्स, वेरी लॉजिकल, एक्यूपंचर इज वेरी लॉजिकल। यू नीड टू अंडरस्टैंड व्हाट इज द प्रॉब्लम, ओके, एंड द सॉल्यूशंस आर वेरी इजी, जस्ट यू नीड टू अंडरस्टैंड विच मेरिडियन विच एरिया एंड विच चैनल इज गेट ब्लॉक, और जहां पे आपकी ब्लड सर्कुलेशन हिंडर हुई है। जितना ब्लड सर्कुलेशन को इम्प्रूव करोगे उतनी बॉडी ज्यादा हीलिंग करती है। तो आवर मेन मोटिव इज टू मूव द शी, मूव द ब्लड एंड गिव द बेस्ट सर्कुलेशन ओवर द इंजर्ड एरिया, दैट्स इट, ओके। बट ऑफकोर्स ऐसा नहीं कि एक दिन में आपको आराम हो जाएगा, मसल हैज अ टेंडेंसी टू रीगेन इट्स और रिपीटेड इट्स प्रॉब्लम्स, राइट। अगर अभी आपने मूविंग मसाज कपिंग दी, मसल रिलीज हो जाएगा, रिलीफ हो जाएगा, फिर वापिस से वो, क्योंकि देर इज समथिंग कॉल्ड मसल मेमोरी। समटाइम्स व्हाट हैपेंस, मसल मेमोरी की वजह से वो एरिया वापिस से अपनी नॉर्मल उसमें आने की कोशिश करता है, या इंजर्ड एरिया में, इंजर्ड कंडीशन में आने की कोशिश करता है। तो दिस विल टेक सम टाइम, यू हैव टू गिव रिपीटेडली सेशन टू दैट पेशेंट एंड यू हैव टू मेक दैट द पेशेंट मसल इज गेट रिलीव, पेशेंट का माइंड ये फील करेगा कहां नाउ इट्स रिलीव एंड देन यू कम टू नॉर्मल। सो इट विल टेक टाइम, इट विल टेक टाइम, ओके। सो हियर यू आर, व्हाट यू आर डूइंग, यू आर डूइंग, यू आर क्योरिंग द पेशेंट, आप पेशेंट का ट्रीटमेंट कर रहे हो। यही कंडीशन पेन किलर भी काम करेगी, जस्ट गिव पेन किलर रेगुलरली फॉर 2 to 3 days, गिव एंटी इंफ्लेमेटरी और एनी मसल रिलैक्सेंट, दिस विल डू, इतनी मेहनत करने की जरूरत नहीं है। बट व्हाट विल हैपन आफ्टर मसल रिलैक्सेंट एंड पेन किलर, योर पेन विल गो, मसल विल बिकम नॉर्मल, बट ये चीज आगे जाके आप और हेवी काम नहीं कर पाओगे। जिस दिन आपने वो 25 किलो उठा लिया उसके दिन जितना पेन हुआ, उसके बाद अगर कभी वापस ऐसा उठाने की नौबत आ गई तो वो पेन ज्यादा होगा, क्योंकि उस टाइम पे आपने मसल को रिलीज किया था, सॉरी रिलीज नहीं किया था, आपने उसको सप्रेस किया था, ओके। विद पेन किलर्स यू हैव सप्रेस दैट थिंग, सो दैट मसल मेमोरी, उसकी जो वर्किंग कंडीशन थी वो कॉन्ट्रैक्ट उस टाइम पे ज्यादा हो गई थी, तो जो 15 किलो थी वो आप 10 किलो की कैपेसिटी हो चुकी है, उसमें अगर आप वापिस आप 25 किलो उठा लोगे तो इट विल बिकम मोर, इट विल गिव द मोर पेन, इट विल गिव द मोर पेन, अंडरस्टूड, यस सर, ओके। सो इन सच यस सर, कंडीशन वेरी कॉमन थिंग कि आप मसल्स को रिलीज करो थ्रू मसाज, थ्रू एक्सरसाइज, थ्रू मूवमेंट्स, ओके, एंड अलोंग विद दैट यू कैन यूज मूविंग मसाज कपिंग, और अलोंग विद दैट यू कैन यूज सम ऑयल्स टू गिव दैट रिलीफ, ओके। सो दिस इज अ बेटर ऑप्शन, क्लियर एवरीवन? नहीं सर इसमें हॉट ऑयल यूज करना होता है मतलब? सी, व्हेनेवर व्हेनेवर देयर इज अक्यूट कंडीशन, सो इन सच कंडीशंस, अब यहां पे दो पिक्चर आते हैं, एक है यिंग एक यांग, ओके। जहां पे मसल कॉन्ट्रैक्शन है, मसल पुल है, वहां पे आप हॉट कर सकते हो। इन डल इन एक ही टाइप ऑफ थिंग यू कैन यूज द, यहाँ पे आपको कोल्ड वाटर नहीं देना है। अक्यूट शार्प एंड शूटिंग में हम क्या करते हैं, आइस पैक देते हैं, यहाँ पे हॉट वाटर देंगे, तो आप हॉट ऑयल दे सकते हो, नो इशूज, ओके, हॉट ऑयल दे सकते हो। तो दिस मसल मस्कुलर पेन मोस्टली कम्स अंडर द फटीग कंडीशन वेयर देयर इज अ कोल्डनेस इज इंक्रीज, ओके, क्लियर, अंडरस्टूड एवरीवन? यस सर, नेक्स्ट स्लाइड, बस जो कुछ चार्जिंग के मेरे मोबाइल से सर चलेगी। दिस इज आल्सो एक्यूट ना, दिस पेन इज आल्सो एक्यूट पेन। दिस
When any object we are lifting and sudden pain in start. Yeah. This pain is also acute in acute condition. Yeah, of course, it's an acute condition, it's a muscular type, no. But you won't feel instant. Yeah. That kind of pain you won't feel instant. अगर आप जिम में जाते हो तो जिम में पहले दिन अच्छे से एक्सरसाइज कर लेते हो, सेम डे पेन होता है. यस दर्द नहीं, दूसरे दिन पता चलता है ना कि दर्द हुआ. यस ओके. Also, at that time, hot application. How can hot application is applied at that time? See, in acute condition, mostly cold applications are applied. यहाँ पे आप hot application इसके लिए दोगे क्योंकि 24 hours के बाद आपको muscles को पता होता, आपको पता चलेगा कि muscles थक चुके हैं, right? तो यहाँ पे hot क्या करेगा? वहाँ पे blood circulation को increase करेगा, chi को move करने में help करेगा. Yes. ओके. और एक्यूट कंडीशन क्या होता है कि ब्लॉकेज है. अब ब्लॉकेज है तो उसको हम कोल्ड पे क्यों देते हैं वहां पे? क्योंकि ब्लॉकेज के वजह से ऑलरेडी वहां पे हीट बढ़ गई है. अगर आप बाइक का जो साइलेंसर है उसको बंद करके रेस दोगे तो वो और हीट करेगा, छोड़ दोगे तो हीट नहीं करेगा. वैसे ही जहां ब्लॉकेज होगी वहां पे इंफ्लेमेशन होगा, इंफ्लेमेशन होगा वहां पे हीट बढ़ेगी. इसके लिए हम आइस पैक देते हैं वहां पे. तो यहाँ पे जो ब्लॉकेज, यहाँ पे ब्लॉकेज है जो आप यहाँ पे जो मूवमेंट का जो रेस्ट्रिक्शन इज मोर बिकॉज ऑफ कोल्डनेस, तो यहाँ पे हम हॉट पैक देंगे. क्लियर एवरीवन? तो कहाँ हॉट कहाँ कोल्ड देना है वो भी हमें रूल आउट करना पड़ता है. अगर जहां पे और देना है आपके कोल्ड दे देंगे पेन बढ़ जाएगा, जहां पे कोल्ड देना है आप हॉट दोगे पेन बढ़ जाएगा. ओके. तो ओके, हेवीनेस एंड थ्रोबिंग टाइप ऑफ पेन. सो फर्स्ट दिस टू थिंग आर वेरी कॉमन, शार्प एंड शूटिंग एंड डलिंग, एक ही टाइप ऑफ पेन. हेवीनेस, थ्रोबिंग टाइप ऑफ पेन, दिस ऑल काइंड ऑफ पेन यू आर गोइंग टू सी इन द पेशेंट्स वेयर देयर इज अ जॉइंट डिफॉर्मिटी. थ्रोबिंग टाइप ऑफ पेन आर मोस्टली यू आर गोइंग टू सी इन द आर्थराइटिस पेशेंट्स. ओके, arthritis patient of a throbbing that you get because due to the bone deformity or there is swelling in the bone or the joint. Okay, you can say joint ka swelling is the arthritis is the joint. Okay, arthro is the joint and swelling of the joint. So in swelling of the joint, mostly what happened that area is working in a normal scenario, but it has to control that joint and that pressure in a extra manner. ओके. आप आर्थराइटिस में जब पेन होता है तो इट्स नॉट लाइक कि बार बार आपको बिकॉज ऑफ द एबी एक्सेस हैंडलिंग ऑफ दैट मूवमेंट ऑफ योर जॉइंट द ब्लड सर्कुलेशन द इनर एनाटॉमी हैज टू बी यू नो कॉम्प्रोमाइज. सो इन द कॉम्प्रोमाइजिंग कंडीशन मोस्टली यू सी द थ्रोबिंग टाइप ऑफ पेन. फॉर एग्जाम्पल कभी कभार Have you seen any migraine patient? Is it a migraine patient? देखा है excess migraine जिसको है वो? Anyone? So in excess migraine condition, patient कभी कभार दीवार पे सर पटकता है, ऐसा दर्द होता है. Yes sir, yes. Yes sir, देखा है. वो सर दीवार पे सर पटकता है, उसको आप पूछोगे ना यस सर बेन, हाँ तो उसको पूछोगे ना आप कि कंटिन्यू सर दुखता है, ही बोलता है कि कंटिन्यू दुखता है, ऐसा लगता है जैसे कोई मार रहा हो थोड़ा. हाँ सर बड़ी बहन को है मेरे. हाँ वो ऐसा बोलेगा कि सर पे वो थोड़ा मार रहा है कोई. दैट मींस इज अ थ्रोबिंग.
कंटिन्यू पेंट नहीं है, ऐसा लग रहा है बार बार, मतलब इंटरवल्स आते हैं, शूट्स होता है ऐसा ऐसा, जैसे थ्रोबिंग टाइप ऑफ पेंट। ओके, सो मोस्टली दिस काइंड ऑफ पेंट यू गोइंग टू सी द कंडीशन वेयर देयर इज एक्सेस इन्फ्लेमेशन, जहां पे ज्यादा सूजन हो जाती है, जहां पे इन्फ्लेमेशन ज्यादा होता है, वहां पे आपको थ्रोबिंग पेन मिलता है। दांत का पेन इट्स अ थ्रोबिंग टाइप ऑफ पेन, माइग्रेन पेन थ्रोबिंग टाइप ऑफ पेन, कभी कहीं स्वेलिंग आ गई तो वहां पे देखना कंटिन्यू पेन नहीं होता है, वो थ्रोबिंग पेन होता है। सो इट्स अ थ्रोबिंग टाइप ऑफ पेन, मोस्टली इन द आर्थराइटिस इन थ्रोबिंग टाइप ऑफ पेन, झटके आते रहते हैं। ओके, तो इन सच कंडीशंस, तो आप जब एक बार नेचर ऑफ पेन समझ लेते हो ना, इट्स वेरी इजी फॉर यू टू रूल आउट दैट दिस इज एसोसिएटेड विद द मसल, इट इज एसोसिएटेड विद द बोन, और इट इज एसोसिएटेड विद द नर्व्स। ओके, दिस थ्री थिंग इज रूल आउट, नाउ इट्स वेरी इजी फॉर यू टू अंडरस्टैंड इज अ फिजियोलॉजिकल और इज अ पैथोलॉजिकल। तो आर्थराइटिस इज अ पैथोलॉजिकल एंड व्हाट इज द फिजियोलॉजिकल, तो स्पॉन्डिलाइटिस, स्पॉन्डिलाइटिस इज व्हाट इज द फिजियोलॉजिकल, ये एज रिलेटेड इशू है, जैसे डीजनरेशन ड्यू टू द एज, एज को रोक नहीं सकते, एज को तो रोक नहीं सकते, मतलब डीजनरेशन तो हो गया, अभी क्या करेंगे। तो इज अ बेटर ऑप्शन इज यू जस्ट ट्राई टू स्लो डाउन दैट प्रोसेस, try to reduce that inflammation, slow down with that process, give proper movements, massage and nutrition, that's it, patient will feel, you know, this is pain can be tha hi nahi, very easy to treat such kind of patients, but if patient is cooperative. Okay, so in pain management it's very important for you to understand, first thing is the nature of pain, second thing is the condition or the cause, third thing that what will be your treatment protocol. Okay, if you understand these three things, it's very easy for anyone to treat any pain or any kind of pain related issues. Okay, it's not every time that needle working, not it's not every time that your hot pack and that thing works every time. You need to understand that scenario as a whole. Pura ek picture aapko apne dimag mein rakhna hai aur phir hame treatment pe jana hai. Theek hai, so we have a lot of things like cupping, you can use that. Needling, moxa, a lot of things are there, right? So what are modalities we can use? This will go through modality. Yeah, see, these are all other modalities. These are, you can use moxa when there is a cold condition. Okay, these are the needling with moxa. Okay, I need to write it down. These are the needles, okay, and this is the moxa. So it's your call. You're going to use the needles, moxa, next slide, cupping, right? Yeah, cup. क्या problem? Mark करो, please. करो बैक, अभी पेन मार्क करो प्लीज। ओके, सो दिस इज द कपिंग, दिस इज द फायर कपिंग। ओके, दिस टू बोथ द मोडालिटीज कैन बी यूज इन डिफरेंट वे, दोनों दिखने में सेम है बट दोनों अलग अलग है। दिस इज फॉर द मूविंग और मूविंग द ची एंड दिस इज फॉर द रिमूविंग द कोल्डनेस। ओके, सो दिस आर द मोडालिटीज, तो डिफरेंट मोडालिटीज आर देयर, बट इट्स योर कॉल कब आपको क्या यूज करना है। दिस ऑल मोडालिटीज वर्क वेरी वेल, ओके, एंड एनी टाइम बेटर देन एनी मेडिसिन, बिकॉज़ दिस वोंट सप्रेस योर डिजीज, दिस विल मूव योर बॉडी टुवर्ड्स द क्योर। ओके, सो एनी क्वेश्चंस, एनी डाउट्स?
Any doubts in today's session? Any questions you need to ask regarding this? Related to acupuncture? Sir, I only have one question to ask. That how we can practice this acupuncture or dry needling in Maharashtra, because I came to know about Maharashtra Council of Acupuncture, which says that you have to register yourself first to practice this therapy or technique. Okay. So this all technical questions will answer by sir. Okay, I think if subject related issues are there, you can talk to me. If subject related problems are there, just ask me the questions. I will give the answers. This technicality will solve by the sir. So I welcome sir. Sir, please you can. Sir, moving cupping or fire cupping में. मैं आपको कह रहा हूँ. इसमें जैसे आपने पूछा ना कि आपका ड्राई नीडलिंग आप यूज कर सकते हैं कि नहीं कर सकते, राइट? यू आर फिजियोथेरेपिस्ट, राइट? हेलो हेलो, किसका क्वेश्चन था? हेलो, हाँ बोलिए. हाँ सर, वही टेक्निकल क्वेश्चन था सर. नहीं नहीं क्या पूछिए तो मैं बताऊँ. क्या 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 टेक्निकल क्वेश्चन है? टेक्निकल क्वेश्चन सर ऐसा था कि हम प्रैक्टिस कैसे कर सकते हैं विदाउट दैट एमसीए. यहाँ पर ऐसा है कि महाराष्ट्र एकुपंचर, महाराष्ट्र में एकुपंचर काउंसिल बनी है. इसके जो कोर्स अभी जो होंगे उसको कंप्लीट करने के बाद आपके एग्जामिनेशन होगा. जो एग्जाम में क्वालिफाई करेगा उसको रजिस्ट्रेशन मिलेगा. ठीक है, अभी महाराष्ट्र में एकुपंचर काउंसिल ने कोई भी कोर्स अलाउ, क्या पूरे इंडिया में कोर्स अलाउ नहीं है. अभी आप अगर आप करना चाहते हैं तो आपकी एक ट्रेनिंग है जिसको हम लोग ऑर्गेनाइज कर रहे हैं. दिस इज अ ट्रेनिंग प्रोग्राम, नॉट अ कोर्स. ठीक है, ये ट्रेनिंग प्रोग्राम है. हम आपको ट्रेन कर सकते हैं, आप ट्रेनिंग ले सकते हैं. इसमें कोई भी काउंसिल या गवर्नमेंट, या वो स्टेट गवर्नमेंट हो या सेंट्रल गवर्नमेंट, इसमें कभी भी आपको रोकेगी नहीं. बट आप यहाँ पे क्या है, आप रजिस्टर प्रैक्टिशनर तो नहीं बन सकते. काउंसिल से रजिस्टर प्रैक्टिशनर नहीं बन सकते, लेकिन इसके अंदर केरला हाईकोर्ट ने एक जजमेंट दिया हुआ है कि दोज हु आर एप्रोप्रिएट ट्रेन ही कैन बी प्रैक्टिस एनीवेयर इन इंडिया. और सेंट्रल गवर्नमेंट का भी है कि यू कैन बी प्रैक्टिस. तो यहाँ पे ट्रेनिंग लेकर आप एज एक्यूपंचर आप प्रैक्टिस कर सकते हैं, लेकिन उसकी एक लिमिटेशन है कि एक्यूपंचर में सिर्फ आप नीडल को ही इंसर्ट करेंगे, आप कोई मेडिसिन को पेशेंट को प्रिस्क्राइब नहीं करेंगे. ओके सर. एज एक्यूपंचर यू कैन बी प्रैक्टिस. इंटेंसिव कोर्स का हमारा जो हम लोग का जो मोटिव इंटेंसिव कोर्स का है वो यही है. यहाँ पे जो हम लोग यहाँ पर आपको इंटेंसिव कोर्स में, मैं थोड़ा सा इंट्रोडक्शन में आपको करा देता हूँ कि इंटेंसिव कोर्स के अंदर हम लोग क्या क्या चीजें इंक्लूड करते हैं. एक्यूपंचर, मॉक्सिवेशन, कपिंग थेरेपी. कपिंग में तीन तरह की चीजें आती हैं. अब जैसे इन जनरल होता है ड्राई कपिंग और वेट कपिंग. ड्राई कपिंग और वेट कपिंग, तो ड्राई कपिंग में भी डिफरेंट टाइप की कपिंग होती है. किस कंडीशन में आप कौन सा यूज करेंगे फिर. और इसके अंदर वेट कपिंग में हिजामा करते हैं. फिर इसके बाद जो हम ये इंटेंसिव ट्रेनिंग जो दे रहे हैं, यहाँ पे जो कायरोप्रैक्टिक है, अब यहाँ पे कायरोप्रैक्टिक आपको बता दें, वर्ल्ड वाइड दो दो डॉक्टर ही कैन बी प्रैक्टिस, राइट? लेकिन इन जनरल एक्यूपंचर के अंदर ये राइट मेथड ऑफ एक्यूपंचर में इंक्लूड है, जिसे चाइनीज में टिटार कहते हैं. तो ट्रेडिशनल बोन सेटिंग
आप कर सकते हैं, लेकिन उसकी भी एक लिमिटेशन है, राइट? उसकी भी एक लिमिटेशन है। तो ऐसा नहीं है, आप अगर प्रॉपर ट्रेंड है और प्रॉपर आप करने के बाद प्रैक्टिस करते हैं, आज तक पूरे इंडिया में कोई भी एक ऐसा केस नहीं हुआ है कि जहां पर आप प्रॉपर ट्रेंड हैं और अच्छी प्रैक्टिस करते हैं, पेशेंट को कोई मेडिसिन नहीं देते हैं, तो आपके अगेंस्ट कोई कंप्लेन हुई है। कंप्लेन क्या हुई है कि आप एक्यूपंक्चरिस्ट हैं, आप अच्छी प्रैक्टिस करते हैं, आपको ये मालूम होना चाहिए कि आपके लिए लिमिटेशन क्या है। अब आप ये कहिए कैंसर को मैं क्योर करता हूँ, डायबिटीज को मैं क्योर करता हूँ, ये फॉल्स क्लेम है। एक्यूपंक्चर में सिम्टोमेटिक डायबिटीज में भी काम करता है, थायराइड पे भी काम करता है, ब्लड प्रेशर पे भी काम करता है, सारी चीजों पे काम करता है, कैंसर पे भी काम करता है, लेकिन कैंसर को क्योर नहीं करता। उसमें जो पेशेंट को जो सिम्टम्स आते हैं उसमें सिम्टोमेटिक उसको रिलीफ देता है, राइट? तो एक हमको हमारी लिमिटेशन पता होनी चाहिए। अगर आपको आपकी लिमिटेशन पता है और प्रॉपर आप कर रहे हैं, तो आपको कहीं भी प्रैक्टिस करने में कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। क्लियर? यस सर, थैंक यू सर। अभी हम लोग यहाँ पे इसमें हम लोग ऑनलाइन ट्रेनिंग का प्रोग्राम रख रहे हैं, तो ये जो ट्रेनिंग है यहाँ पे, ये देखिए, ये जो हम लोग ये ट्रेनिंग जो देते हैं, ये क्या है, एक कैप्सूल कोर्सेज है, लाइक ए डिप्लोमा। आपको वो सारी चीजें पढ़ाई जाएगी जो आपको एक अच्छे प्रैक्टिशनर बनने के लिए, आपको एक्यूपंक्चर में लोकेशन टेक्निक्स ऑफ निडलिंग डायग्नोसिस पार्ट है, टंग पल्स को कैसे डायग्नोज करते हैं, केस हिस्ट्री कैसे ली जाती है, पेशेंट को ये सारी चीजें थ्रू द फाइव एलिमेंट थ्रू द ईयर यार, ये सारी चीजें आती है, इंक्लूड होता है। तो इसमें हम लोग जो थ्योरिटिकल क्लासेज इसको ऑनलाइन करते हैं, और इसके बाद हम लोग जो प्रैक्टिकल ट्रेनिंग देते हैं, वो प्रैक्टिकल ट्रेनिंग आपको दिखला दूं कि यहाँ पे आरएसएम एक्यूपंक्चर कॉलेज में जो प्रैक्टिकल ट्रेनिंग दी जाती है वो किस तरह से दी जाती है। गिव मी वन मिनट प्लीज। यहाँ पर आपको जब आप प्रैक्टिकल के लिए आप आते हैं, ठीक, इसको आवाज को बंद कर दीजिए। यहाँ पे ये जो प्रैक्टिकल ट्रेनिंग दी जाती है, ये आपको जो थ्योरी होती है ये ऑनलाइन होती है क्लास, उसके बाद जो ये प्रैक्टिकल होती है, इस तरह से प्रैक्टिकल में जहां पे आपको लोकेशन निडल को कैसे इंसर्ट किया जाता है, आप डायग्नोसिस पार्ट होता है, टंग पल्स को देखते हैं, कहाँ पे आप ड्राई कपिंग कर सकते हैं, कहाँ पे आप फायर कपिंग कर सकते हैं, कहाँ पे आप हिजामा, किस कंडीशन पे आप हिजामा करेंगे, ये आपको हैंड्स ऑन प्रैक्टिकल ये मिलता है। इसके अंदर मसल रिजिल टेक्निक्स के अंदर बहुत सारी चीजें आती है कि अगर जैसे मस्कुलर प्रॉब्लम है तो मसल से रिलेटेड अगर हम है पेशेंट को किस तरह से हैंडल कर सकते हैं, तो ये सारी चीजें सीखने को मिलती है। ये एक ट्रेनिंग है और ये ट्रेनिंग से आप प्रॉपर ट्रेन होते हैं। तो अभी यहाँ पे अभी आपको मैं बताऊं कि 7 डेज में लोग डिप्लोमा दे देते, दिस इज रॉन्ग। तो वी आर ऑथराइज फॉर द सर्टिफिकेट, हम आपको सर्टिफिकेट प्रोवाइड कर सकते हैं, कॉलेज हैज ऑथराइज फॉर द सर्टिफिकेट, नॉट फॉर डिप्लोमा एंड डिग्री एंड एमडी इन एक्यूपंक्चर, पीएचडी इन एक्यूपंक्चर, इस टाइप की जितने भी कोर्सेज ऑल ओवर इंडिया चल रहे वो सेंट्रल स्टेट गवर्नमेंट से, ये दोनों प्रोविडेड है। ये बिल्कुल इसको आप ऐसे कर लीजिए, ये रॉन्ग है, इसके यहाँ पे आप प्रैक्टिस नहीं कर सकते। क्लियर? हाँ जी, क्लियर टू एवरीवन? यस सर। You have any doubt? अगर आपको कोई भी डाउट अगर है तो ये नंबर आप नोट कर लें।
ये नंबर आप नोट कर लीजिए, इस पे आप कांटेक्ट कर लीजिए, मैसेज कर दीजिएगा, जो भी आपके डाउट्स है वो आपको, आपके जो क्वेश्चन आंसर है उस क्वेश्चन का आपका आपको आंसर मिलेगा। और मंडे से आफ्टरनून की क्लासेस स्टार्ट हो रही है, मंडे टू फ्राइडे, ये 2 आवर्स आपको थ्योरेटिकल क्लासेस होगी जो ऑनलाइन होगी विद लाइव डेमोन्स्ट्रेशन, यानी कि हम जब इसमें आपको बताते हैं सिखाते हैं तो उसमें लाइव डेमोन्स्ट्रेशन में जब वैलिडेशन स्टार्ट होती है, लोकेशन की टेक्निक्स ऑफ बिल्डिंग वगैरह ये सारी चीजें हैं, इसके अंदर क्या है 174 आवर्स इसमें जो होता है वो, और इसमें थ्योरी क्लास होती है ऑनलाइन, और ये 7 डेज यानी 56 आवर जो इसमें होता है वो प्रैक्टिकल ट्रेनिंग होती है वो ऑफलाइन। इसके लिए आपको मुंबई आना होगा। फॉर 7 डेज ये फुल 7 डेज हमारा होता है, ये 7 डेज के अंदर आपको सारी ट्रेनिंग मतलब ये किस तरह से वो सारी चीजें पढ़ाई जाती है बताई जाती है, ठीक है। नाउ हैव यू एनी क्वेश्चन एनीवन? हेलो सर, प्रैक्टिकल ट्रेनिंग का भी पर्टिकुलर टाइमिंग रहता है, मतलब वही डेज में आना है? तो 7 डेज होता है, 10 AM से लेकर 6 PM, इसके अंदर आप वो दिन हमारा होता है, रात आपकी होती है, मॉर्निंग कोई डेट फिक्स होती है वही डेट में आना होता है, वो भी डेट ऑलरेडी पोर्ट ऑफ महाराष्ट्र है ना, ये आपको ये है ना वो डेट भी आपकी फिक्स है 20 मई से लेकर 26 मई, ये 7 डेज ऑलरेडी ये बता दिया था कि जो बाहर से आते हैं वो अपना रिजर्वेशन वगैरह कराने के लिए उनको सब टिकट वगैरह वो पहले से कंफर्म होता है, वो फाइनल डेट है, इसको आप नोट कर लीजिए प्रैक्टिकल का 20 मई, 26 मई। इसकी जो टाइमिंग होती है मॉर्निंग 10 AM टू 6 PM, ये 7 फुल डेज होता प्रैक्टिकल, जिसके अंदर इंक्लूड होता है हमारे मील्स होते हैं, आपको स्टडी मटेरियल मिलते हैं, स्टडी किट्स मिलते हैं, वो सारी चीजें फीस पे इंक्लूड होता है। तो थ्योरी और प्रैक्टिकल ये जो है ये 230 आवर्स का जो इंटेंसिव कोर्स है ट्रेनिंग है, ये ट्रेनिंग आपको एक प्रॉपर ट्रेनिंग देती है कॉलेज, और ये जो है टोटल पे मैनेजमेंट पे ही, तो आपके पास जो भी पेशेंट आते हैं मस्कुलोस्केलेटल पेन के जो भी पेशेंट है कैसे हैंडल करेंगे, कैसे डायग्नोज करेंगे, ये सारी चीजें आपको सीखने को मिलेगी। इफ एनीबडी हैव एनी क्वेश्चन एनी डाउट प्लीज आस्क, अदरवाइज वी कैन क्लोज टुडेस सेशन। यस बताइए, किसी को कोई डाउट्स है, कोई क्वेश्चन है पूछे, अगर नहीं तो आज के सेशन को हम यहीं पे एंड करते हैं, विल मीट ऑन मंडे एट 3 PM, ओके, नो क्वेश्चन एट ऑल, प्लीज जो भी क्वेश्चन आंसर होगा आपको जो भी डाउट हो आप इस नंबर पे प्लीज आप मैसेज कर, क्या 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 क्वेश्चन है आपका बताइए। यस इफ यू ओके थैंक यू वेरी मच, तो अगर किसी को कोई भी क्वेश्चन आंसर है कोई भी डाउट हो आप इस नंबर पे मैसेज कर दीजिएगा, यहां से आपको रिप्लाई मिल जाएगा, राइट, ओके थैंक यू एंड गुड नाइट, थैंक यू वेरी मच टू ऑल, थैंक यू सर, गुड नाइट सर, गुड नाइट।